नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में मिला शव, वाहन की टक्कर में हुआ हमला, दंपति पर धोखाधड़ी का मामला। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में मिला शव। क्राइम ब्रांच के एएसआई के बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर सीताबर्डी के फॉर्चून मॉल की बेसमेंट में शव मिलने के बाद घटना का खुलासा हुआ है। इसके बाद से शहर पुलिस में खलबली मची हुई है। मृतक अभिषेक नरेंद्र बघेल वाटोड़ा है। अभिषेक के पिता नरेंद्र बघेल क्राइम ब्रांच में कैशियर है। अभिषेक की वैशाली नगर में मोबाइल शॉप ही है। बताया जाता है कि बुधवार की शाम अभिषेक बाइक पर घर से रवाना हुआ था। उसने परिजनों को किसी से भेंट कर आने का बताया था। इसके कुछ देर बाद बघेल को अभिषेक के मोबाइल से अज्ञात व्यक्ति का फोन करके फुटाला के पास हादसे में उसके जख्मी होने का बताया। बघेल फुटारा पहुंचे, इसके बाद से वह अभिषेक की खोजबीन कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार की शाम वाटोड़ा थाने में बेटे की गुमशुदी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद से पुलिस भी खोज में जुटी रही। अभिषेक ने उस पर 70,000 रुपए बकाया होने से परेशान होने की बात परिजनों को बताई थी। उसकी वैशाली नगर में कुछ आवारा गर्द युवकों से मित्रता भी थी। पुलिस फुटारा तथा अंबाजरी तालाब सहित कई स्थानों पर अभिषेक को खोज रही थी। उसका अंतिम लोकेशन लोकमत चौक पर आया था। आज दोपहर 1:30 पर फॉर्चून मॉल के कर्मचारी को बेसमेंट में एक शव नजर आया। शव के पास ही बाइक खड़ी थी। सूचना मिलने पर धंतोली पुलिस वहां पहुंची। मृतक के अभिषेक होने का पता चलते ही क्राइम ब्रांच के डीसीपी गजानन राव जमाने भी मौके पर पहुंच गए। सिर पर चोट लगने से काफी समय पहले ही अभिषेक की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि अभिषेक को नशे की लत थी। संदेह है कि घटना के वक्त उसके साथ अन्य लोग भी थे। पुलिस के चक्कर में फंसने के भय से यह अभिषेक के पिता को घटना की सूचना देकर भाग गए। ग्राउंड फ्लोर जहाँ आता है पार्किंग है, जिथे बॉडी में आली है। कोण है मृतक, नेमकी माहिती आतापर्यंत काय आली आहे? जे मृतक आहेत त्या बाबतीत वाठोडा पोलीस स्टेशन येथे काल त्यांची आईने एक मिसिंग रिपोर्ट दिली होती। त्याबाबत त्यांचा शोध सुरू होता आणि जे डिस्क्रिप्शन त्यांनी दिला होता त्याप्रमाणे आज जेव्हा इथून फॉर्च्यून मॉलकडून माहिती आली की त्याप्रमाणे एक मुलगा आणि त्या सेम डिस्क्रिप्शनची जे बाईक आहे ते इथे दिसून येत आहे। तर या इथे येऊन सहानिशा केली तर जे मिसिंगमध्ये मुलगा होता आणि बाईक होती तेच आहे। बाकी पुढील याबाबत जे आहे तर आमच्या पोलिसांचा तपास सुरू आहे। मग मृतकाचं नाव काय आहे, कुठल्या वयोगटातलं आहे आणि काय आता शक्यता वाटते? आता काही सांगणे काही काही आता सांगणे तर इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दॅट। आता जे आहे जस्ट आता जे आहेत इन्क्वेस्ट वगैरे जे आहे त्यांच्या होणार आहे त्या बाबतीत आपल्याला माहिती देण्यात येईल। बट आता बॉडी जस्ट मिळालेली आहे आणि आमच्या याबाबत तपास सुरू आहे। जी हां, पोलीस कर्मचारी आहे, त्यांचे मुलगा आहे, त्यामुळे जे आहे आम्ही याबाबत जे आहे विशेष दक्षता घेत आहोत। मृतकाचं नाव अभिषेक बघेल। मृतकाचं नाव अभिषेक बघेल। मॅडम हिंदी में बताइए कि क्या मामला है, बॉडी जो मिली है यहाँ पे मिली है, क्या कहना चाहिए, पूरा मामला बताइए। देखिए कल वाठोड़ा पुलिस स्टेशन में मृतक की मदर ने एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल कराई है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था बच्चे का और गाड़ी का उस हिसाब से हमारा शोध शुरू था। आज ऐसा एक इंफॉर्मेशन आया कि सेम डिस्क्रिप्शन का जो बच्चा है। तो वही दूसरी ओर वाहन के टक्कर में हुआ हमला। चार पहिया वाहन के टक्कर लगने की वजह से हुए विवाद में एक पिता पुत्र सहित 3 लोगों से मारपीट की गई। यह वारदात मानकापुर थाने के तहत जूनी बस्ती में हुई। गुरुवार की दोपहर ललित उर्फ टुन्नी जिंगाबाई टाकरी चार पहिया वाहन में सवार होकर जा रहा था। उसने राहुल उपाध्याय और उसके मित्र अभिषेक ठाकुर की एक्टिवा को टक्कर मार दी। टुन्नी ने राहुल से भरपाई मांगी। उसके साथ ही कपिल वानकेड़े रोमी दत्ता सौरव विवाद करते हुए राहुल तथा उसके मित्र अभिषेक की पिटाई करने लगे। राहुल की शिकायत पर
मानकापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर दंपत्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गिरवी रखे गए प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने वाले दंपत्ति के खिलाफ हिंगना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रवीण विश्वनाथ रामटेके तथा उसकी पत्नी प्रज्ञा रामटेके है। राहुल नगर निवासी पंकज मंडपे ने पैसों की जरूरत होने से अपने प्लॉट के दस्तावेज प्रवीण के पास गिरवी रखकर 1,40,000 रुपए लिए थे। प्रवीण ने फर्जी हस्ताक्षर कर यह प्लॉट अपनी पत्नी प्रज्ञा के नाम पर कर दिया। हिंगना पुलिस ने रामटेके दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।